Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको हमारी तरफ से। आई होप आप सबकी ईद अच्छी जा रही है। आप जो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग तो आज की ईद बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए आज हमारे साथ है जमजम, और आज हम बकरा लेने जा रहे हैं। अभी हम बकरा लेने जा रहे हैं। देखा, हमने आपको बता दिया कि आज हम ईद वाले दिन में आज हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको भी ईद पसंद है तो आप लोग भी बता देना कि आपको ईद पसंद है। जी जी, कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको ईद पसंद है। आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे तैयार होते हैं। देखिए आज सारे बच्चे तो बहुत 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 क्यूट लग रहे हैं। अब्दुलरहमान, जमजम, मरवा, वो देखे मरवा, और भाईजान ईद मुबारक, ईद मुबारक। और चलो मेहंदी दिखा दे जमजम मरवा आप दोनों अपनी। अरे वाह, ये देखिए मैंने भी लगाई है, अच्छी लग रही है ना, दिखाओ। मेरे मामा के स्टिकर्स सारे, ये देखो, ये भी है मेरा। मैंने सिर्फ एक ही हाथ पे लगाई है, मैं दूसरे हाथ पे नहीं लगा सकती। मैं दूसरे हाथ पे नहीं लगा सकती थी, मैंने एक हाथ पे ऐसे करके लगा दी बस, ओनली ऑन माई लेफ्ट हैंड। चले हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग देखते रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस, जी जी, उल्टे हाथ पे भी लगाइए। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। अरे वाह, और बॉयज तो मेहंदी नहीं लगाते ना, तो बॉयज ने मेहंदी नहीं लगाई। हेलो, अच्छा कैटल मार्केट में बहुत ज्यादा रश है, यानी कि बकरा मंडी जो है वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। एक जगह पर गए थे, वहाँ गेट क्लोज्ड है, उन्होंने कहा आगे जाएं और आगे जाके कुछ राइट लेफ्ट करना है आपने, तो वो जब कोई चीज काटते है ना तो हमें बहुत उलझन होती है, कुछ चीज होती है। Oops, what happened? A few moments later. तो जब तक सारे गए हुए हैं बकरा देखने के लिए, तब तक हमारी गाड़ी में हो रही है छोटी सी पार्टी, है ना? बाकी सब ने डिसाइड किया है कि अभी तो बहुत अभी बहुत रश है, तो हम ये वाला बकरा लेके जा रहे हैं, हम मंडी से ये छोटी सी बकरी लेके जा रहे हैं जी। बहुत जोर की भूख लगी है, शिद्दत की भूख लग रही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमने सिर्फ सेवियों का किया हुआ है, मतलब पीछे जोड़ का। तो अभी हम जा रहे हैं जमजम की मंडी लेने। नहीं, हम बैतुल मंडी जा रहे हैं, मंदी लेने जा रहे हैं। मंदी लेकर हम जाएंगे कहाँ पे? अजमान। मंदी लेकर हम जैनब के घर जा रहे हैं, तो हम मंदी लेने जा रहे हैं। मंदी लेंगे और उसके बाद हम इब्राहिम के घर जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, यहीं पे रहे, कहीं मत जाए, क्योंकि आज हमारे साथ कौन है? जमजम मंदी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ईदी, ओ जबरदस्त, ये ईदी डिग्गी में सीधा। और ये किस ये दोनों मेरी है। और आ रहा कुछ? हां भाई जल्दी आ रहा है।
चलें जी, हम ले चुके हैं मंदी, मजेदार सी मंदी ले चुके हैं, आपको भी दिखा चुके हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अजमान जा रहे हैं। अब हम सुनहरा के घर। सुनहरा के घर में हम लेके गए कितने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो हम उसको जाकर झुंडी मारेंगे। Assalamualaikum everyone. ईद मुबारक once again. आज है यहाँ पर second day of Eid. No. अब्दुल रहमान को जो रोड पे नजर आ रहा है ना, वो बता रहा है आज हम यहाँ जा रहे हैं। So आज है ईद का दूसरा दिन। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सब कैसे हैं? आपकी ईद कैसी गुजरी है? आई होप आप लोग की ईद अच्छी गुजरी, और जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है उनको बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। आई होप यू गाइस आर हैविंग अ वेरी गुड डे, टाइम गुड डे। तो ईद डे वन का व्लॉग और ईद डे टू का व्लॉग जैसे कि आप देख सकते हैं हम एक साथ शेयर कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में आप सबको इन्फॉर्म भी कर दिया था। सो यू नो इट्स अ लॉन्ग डे और बहुत बिजी डे होता है, और हम कोशिश करते हैं कि एज मच एज वी कैन हम उसको व्लॉग बनाएं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज अभी हम कहाँ जा रहे हैं? यस वी विल ग्रैब अ छोटा सा केक फॉर द फ्रेंड, क्योंकि किसी के घर जा रहे हैं, ईद वाला दिन है, तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ना, बनता है। तो लेट्स गो एंड ग्रैब अ केक। और क्या लेंगे हम? और कुछ खाना है आपने? देखेंगे फिर वहाँ पे और क्या। कहते हैं कि घर से कुछ खा के जाओ ना, तो आगे वो सुना ना आपने, आगे भी बहुत मिलता है। हाँ। तो आई गेस सो के थोड़ा बहुत खा के जाना चाहिए। आओ छान। इस वक्त मेरी गोद में केक भी है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, बहुत आराम से जाना क्योंकि हाँ जी मेरी गोद में केक है, एंड आई हैव टू सेव इट। हेलो हेलो, वेलकम बैक। आप हमें देख सकते हैं कि ये देखिए पीछे हमारे बच्चे सो रहे हैं गाड़ी में, दे आर टायर्ड। आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अजमान। अजमान जा रहे हैं हम लुकमान की सिस्टर के घर, बिकॉज दे आर सेटिंग अप देयर न्यू हाउस। उनके नए घर में जा रहे हैं हम लोग, और आई गेस हमारी ईद ऐसी जा रही है काम के साथ। एक छोटा सा मीटअप था वो कर लिया, अब हम एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं। छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, वी हैव टू सेट अप द हाउस, और आधे से ज्यादा काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू हेल्प देम। उसके बाद शाम को अगर हम बाहर निकलते हैं कहीं कुछ भी करते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड। सो फार हमारी ईद तो इसी तरह की गुजरी जैसे हम आपको दिखा सकते हैं। आप सबकी ईद कैसी गुजरी हमें कमेंट्स में बताना, जरूर शेयर करना कि आप लोग ईद पे क्या करते हैं, ईद गुजारते हैं। बहुत सारे लोगों की ईद सो के गुजरी, बहुत सारे लोगों की ईद काम करके गुजरी, बहुत सारे लोगों की ईद जॉब में गुजरी, एंड हमारी ईद वॉज मिक्सअप।
जॉब भी था, घर का काम भी था एंड एवरीथिंग इनसाइड. तो हम हर तरह के वक्त में इंजॉय करने सीख लेते हैं, मतलब इंजॉय करना जानते हैं, जो भी है अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू, खुश खुश रहा करें और ऐसे ही अपनी लाइफ गुजारा करें.